आज है 20 जुलाई 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम योगी ने डीबीटी से बच्चों को भेजे 1200 रुपए, 1,91,00,000 छात्रों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के बच्चों को यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता, मोजा और स्टेशनरी के लिए प्रति विद्यार्थी 1200 रुपए अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाने की प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे बेसिक स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे 1,91,00,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, मतलब गरीबी से बाहर आए। विद्यालयों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। यूपी में ज्यादा विदेशी निवेश लाने के लिए बनेगी नई नीति। वैश्विक निवेश सम्मेलन में आए रिकॉर्ड 35,00,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव से उत्साहित योगी सरकार ने अब अधिक से अधिक विदेशी निवेशकों को लाने की तैयारी की है। यूपी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बनाने के लिए अलग से नीति लाने की तैयारी की जा रही है। वैश्विक निवेश सम्मेलन में आए रिकॉर्ड 35,00,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव से उत्साहित योगी सरकार अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ 8 एम्बुलेंस दौड़ेंगी दिन रात, नहीं चढ़ पाएंगे आवारा पशु। 340.8 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस पर हादसे रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए गए, साथ ही हादसा होने की स्थिति में मौके पर इलाज की व्यवस्था भी की गई। आवारा जानवरों को रोकने के लिए न केवल अलग से एजेंसी नियुक्त की गई, बल्कि आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए गौशालाओं की व्यवस्था भी की जाएगी। यूपीडा ने इसे लेकर सभी को जिम्मेदारी दे दी है। इस तरह पहली बार लाइफ सपोर्ट मशीन श्रेणी की अत्याधुनिक 8 एम्बुलेंस को एक्सप्रेस वे पर तैनात किया जाएगा। अब यूपी के माध्यमिक विद्यालयों का होगा कायाकल्प। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से 7 साल पहले स्कूल्स की स्थिति ऐसी होती थी कि बच्चे यहां आने से डरते थे। स्कूल्स में पेड़ और झाड़ियां उगी रहती थी, बच्चों के नामांकन में गिरावट थी। आज उन्हीं विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है। आज वहां बच्चों की संख्या 60,00,000 बढ़ी। बेसिक शिक्षा में परिवर्तन दिखता है, अब बारी माध्यमिक शिक्षा की है। माध्यमिक विद्यालयों के लिए ऑपरेशन कायाकल्प फेज 2 चलाया जाएगा। वाराणसी की कई ट्रेन 5 दिन के लिए कैंसिल, तो कई का रूट बदला। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के भटनी यार्ड में इंजीनियरिंग कार्य के लिए ब्लॉक लिए जाने के कारण इस रूट की गाड़ियों के संचालन पर असर पड़ा। कई गाड़ियां निरस्त की गईं, तो कई का रूट बदला गया। कई गाड़ियों की दूरी भी कम की गई। चमोली दुर्घटना पर सीएम योगी ने जताया दुख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चमोली में हुई घटना पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तराखंड के चमोली में विद्युत दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। बोले सीएम योगी, शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है तो भर्ती प्रक्रिया की जाती है। यूपी में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में शिक्षक की भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पिछले 6 सालों में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में 1.6 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई। जो लोग रिटायर हो रहे हैं और जहां पर अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर निरंतर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। आधे समय में पहुंच जाएंगे सिलीगुड़ी, केंद्रीय मंत्री ने दिया तोहफा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गोरखपुर को नई सड़कों का तोहफा दिया। गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के जरिए गोरखपुर के विकास में तेजी आएगी। एनएचएआई के अधिकारियों का कहना है कि नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। नई सड़क बनने पर गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक की दूरी आधे समय में पूरी हो जाएगी। हिंदू का मकान खरीद नहीं पाएंगे मुसलमान। कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज हिंदू का घर और हिंदू मुस्लिम समाज का घर ना खरीद पाए, ऐसी योजना लाने के लिए सरकार से वो मांग करेंगे। वो मंदिर पर कब्जे की शिकायत पर मौके पर पहुंची थीं। मंदिर परिसर में कूड़ा देखकर वो भड़क गईं। इसके बाद उन्होंने धर्मशाला में अवैध मकान को गिराने का आदेश दे दिया। यूपी में बिना मान्यता के चल रहे स्कूल्स पर एक्शन की तैयारी।
यूपी में बिना मान्यता के चल रहे स्कूल्स के खिलाफ शिक्षा विभाग अभियान चलाएगा। सरकार ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर रही है जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। स्कूल्स के खिलाफ FIR भी दर्ज होगी। ऐसे स्कूल्स की शिनाख्त में शिक्षक संगठनों की मदद ली जाएगी। शासन ने सभी जिलों के DM, जिला विद्यालय निरीक्षक और BSA को इस संबंध में आदेश जारी किया है। संगम एक्सप्रेस में 26 से लग जाएंगे जर्मन तकनीक वाले कोच। प्रयागराज जंक्शन से मेरठ जाने वाली संगम एक्सप्रेस में बुधवार 26 जुलाई से LHB कोच लग जाएंगे। अभी संगम का एक ही रैक जर्मन तकनीक वाले LHB से लैस है। LHB रैक लगने के बाद आने वाले दिनों में संगम एक्सप्रेस भी अधिकतम 130 की रफ्तार से दौड़ सकेगी। पुराने ICF कोच होने की वजह से इसकी अधिकतम स्पीड अभी 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेडिकल कॉलेजेस के 81 असिस्टेंट प्रोफेसर को बर्खास्त करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के 13 राजकीय मेडिकल कॉलेजेस के 81 असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति लेने के बाद नहीं लौटे। अब इन सभी को बर्खास्त कर सीट्स रिक्त करने की तैयारी है। इन सीट्स पर दोबारा अधियाचन भेजा जाएगा। हालांकि 7 असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने चिकित्सकीय समस्या बताते हुए जल्द ही लौटने का आश्वासन दिया है। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा के 1.91 करोड़ बच्चों को बांटे यूनिफॉर्म के पैसे। सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा के 1.91 करोड़ बच्चों को 2300 करोड़ रुपए भेजे। बच्चों को ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा और स्टेशनरी की खरीद के लिए प्रति छात्र छात्रा 1200 रुपए उनके माता पिता के बैंक खाते में GBT के माध्यम से ट्रांसफर किया गया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पिछले 6 सालों में स्कूल्स में 55 से 60 लाख अतिरिक्त बच्चों की संख्या बढ़ी है। आज अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। अब 26 जुलाई को मेरठ जाएंगे अखिलेश यादव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का 20 जुलाई को मेरठ आने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। अब वो 26 जुलाई को मेरठ आएंगे। माना जा रहा है कि अखिलेश अपने 26 जुलाई के दौरे में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को जोड़ने की कवायद करेंगे। इसके साथ ही पार्टी नेताओं से 2024 की रणनीति पर भी मंथन करेंगे। खबर है कि वो मेरठ के राली चौहान और धनपुर गाँव में भी जा सकते हैं। महाकुंभ के पहले एयरपोर्ट से शुरू हो जाएगी कार्गो सेवा। महाकुंभ 2025 के पूर्व प्रयागराज एयरपोर्ट से कार्गो सेवा शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, यहां और आसपास के जिलों के किसानों को कृषि उड़ान योजना का लाभ भी मिलेगा। चंद घंटों में यहां के किसान इलाहाबादी अमरूद देश के विभिन्न शहरों में भेज सकेंगे। यहां कृषि उड़ान योजना के क्रियान्वयन के लिए एक अलग कार्गो परिसर का निर्माण होगा। इसका प्रस्ताव भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भेजा गया है। सितंबर में इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा पहला C-295 विमान। सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना को पहला C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिल जाएगा। भारत में भी इस विमान का निर्माण होगा। पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे, उसके बाद बाकी के 40 विमान को टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड बनाएगी। ये निर्माण प्रक्रिया स्पेन और भारत के बीच पार्टनरशिप के तहत होगी। टाटा इसके लिए गुजरात के वडोदरा में फैक्ट्री बना रहा है। ये फैक्ट्री 2026 तक बनकर तैयार होगी। 56 विमानों के निर्माण की डील अक्टूबर 2021 में हुई थी। यूपी में ग्रामीण आबादी का जीवन स्तर सुधरा। उत्तर प्रदेश में बीते 5 सालों में शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में रहने वाली आबादी के जीवन स्तर में ज्यादा तेजी से सुधार हुआ। इन वर्षों में ग्रामीण इलाकों में जहां गरीबों की आबादी में 18% की गिरावट आई, वहीं शहरों में महज 6% की कमी आई। यही नहीं, पूर्वांचल के शहरों में लोगों का जीवन स्तर ज्यादा तेजी से बेहतर हुआ, जबकि पश्चिमी यूपी में गरीबों की संख्या अपेक्षाकृत धीमी गति से कम हुई है। मायावती ने क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन के लिए रखी कड़ी शर्त। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने बुधवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। आगामी चुनाव में गठबंधन को लेकर मायावती ने यहां एक बयान में कहा कि BSP पंजाब और हरियाणा में क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिलाने के लिए बिल्कुल तैयार है, बशर्ते उनका सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या नवगठित विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ कोई गठजोड़ ना हो। बड़ा खुलासा सामने आया, सीमा हैदर का राज। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के राज एक एक करके सामने आ रहे हैं। ATS ने 2 दिन में सीमा से करीब 17 घंटे से ज्यादा पूछताछ की, लेकिन सीमा हर सवाल का एक ही जवाब दे रही है। इस बीच खुलासा हुआ कि सीमा का भाई और चाचा पाकिस्तान सेना में है। उसका भाई कराची में पोस्टेड है, उसकी फोटो भी सामने आई। सीमा कुछ भी सही नहीं बता रही। ऐसे में अब उसका पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है।
करीब 1.5 साल के बाद खुलेगा रूमी गेट। मुख्य दरारें भरने का काम पूरा, दिसंबर 2022 से था बंद। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने रूमी गेट की दशकों पुरानी मुख्य दरारों को भरने का काम पूरा कर लिया, जिसके बाद इसे मुहर्रम के जुलूस के लिए खोला जाएगा। रूमी गेट में आई दरारों की वजह से इसके लिए खतरा पैदा हो गया था। इसके अलंकरण भी टूट कर गिरने लगे थे, जिसके बाद गेट के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया था। अधीक्षक पुरातत्वविद आफताब हुसैन ने बताया कि लगभग 3 से 4 माह में रूमी गेट के मुख्य दरारें भर दी गई हैं। तेजी से घट रहे 75 से 100 वर्ष आयु के पेंशनर, 5 साल की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश में बुजुर्ग पेंशनर्स की संख्या तेजी से घट रही है। पिछले 5 साल में 75 से 100 वर्ष वाले पेंशनर्स की संख्या में औसतन 50% की कमी आई, जबकि 65 वर्ष तक के पेंशनर्स की संख्या दुगनी हुई। पेंशन निदेशालय के पिछले 5 साल की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में कुल पेंशनर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। वर्ष 2019 में 11.82 लाख पेंशनर थे, जिनकी संख्या वर्ष 2023 में बढ़कर 12.18 लाख हो गई। यूपी में इस विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव। समाजवादी पार्टी से विधानसभा सदस्यता छोड़कर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान की घोसी सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। प्रदेश विधानसभा के एक अधिकारी ने मंगलवार को यहां बताया कि पिछले दिनों भाजपा में शामिल हुए सपा विधायक दारा सिंह चौहान की घोसी विधानसभा सीट को रिक्त घोषित किया गया। उन्होंने बताया कि चौहान का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद घोसी सीट 17 जुलाई से रिक्त घोषित कर दी गई। भारत और नेपाल के बीच रेल परिचालन शुरू। भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध बताया जाता है, अब इसे और भी मजबूती प्रदान कर दी गई। दरअसल दोनों देश को जोड़ने वाली जयनगर बिजलपुरा बर्दीबास रेल लाइन पर ट्रेन दौड़ने लगी हैं। रेल लाइन के एक खंड का परिचालन शुरू हो चुका है। इसके बाद अब नेपाल इंडिया दोनों देशों के बीच लोगों के आवागमन में बढ़ोतरी देखी जाएगी। पहाड़ों की बारिश से उफनाई यमुना की सहायक नदियों ने यूपी से दिल्ली तक बढ़ाई बाढ़ की विभीषिका। सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक आई बाढ़ के दौरान पूर्वी और पश्चिमी यमुना नहरें सूखी पड़ी थीं। पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद यमुना नदी उफान पर आ गई। मैदानी क्षेत्रों में हुई बारिश का इतना फर्क नहीं पड़ा जितना पहाड़ों में हुई बारिश ने कहर ढाया। इसके साथ ही घाट की बरसाती नदियों और हिंडन, उसकी सहायक नदी कृष्णा, काली, धमोला, पांवधोई के पानी ने यमुना में मिलकर बाढ़ की विभीषिका को बढ़ाने का काम किया। बाढ़ के इस पानी ने दिल्ली तक हालात खराब कर दिए। अखिलेश को एक और झटका, योगी से मिले सपा नेता सुखराम, भाजपा में आने की अटकलें। लोकसभा चुनाव मिशन 2024 को लेकर भाजपा का कुनबा बढ़ाने का अभियान जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले विरोधियों को एक के बाद एक झटका दे रही है। पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, उसके बाद घोसी से समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह को अपने साथ लाने में कामयाब रही। इस कड़ी में अगला नाम सपा नेता सुखराम यादव का हो सकता है। उन्होंने पत्नी और बेटे मोहित यादव के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सुखराम बीते काफी समय से सपा मुखिया अखिलेश यादव से नाराज चल रहे थे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।